सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काक भुशुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण यानी चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत ही सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओंठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुषधारी शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत यानी मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी बहुत ही सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर तीन रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।